बंसी विभूषित कर नवनीर दाभात पीताम्बरा दरुण बिंब फलाधरुष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जानि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरणालय भक्तवांछा कल्पतरु गोविंद के चरणों में प्रणाम करते हुए गीता के छठे अध्याय के 23वें श्लोक में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। बहुत ही भाग्य का समय है जब हम इस श्लोक में अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि भगवान ने हमारे आपके लिए क्या उपदेश दिया है और जीवन की वास्तविकता क्या है और कैसे हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए मित्रों, हम 23वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वण अनिर्वण चेतसा। तम विद्याद पिछले श्लोक में यम लब्ध्वा अर्थात उसी विद्या की बात कर रहे हैं जिस विद्या को प्राप्त करके व्यक्ति आत्यंतिक सुख को प्राप्त हो जाता है और समस्त दुखों का अभाव हो जाता है, उसी के बारे में भगवान पुनः कह रहे हैं। तम विद्या, उस विद्या को, कौन सी विद्या, जो दुख संयोग वियोगम, जो दुख के संयोग को वियोग कर देती है, योगम संगीतम, उसे योग कहते हैं। देखो बड़ी मार्मिक बात है, गीता योग शास्त्र है और इसमें भिन्न भिन्न ढंग से भगवान ने योग का परिभाषा किए हैं। जो व्यक्ति जितनी सुगमता से जो कर सकता है उसे करके योग को प्राप्त करे। देखिए दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा समत्वम योग उच्यते, अर्थात समता ही योग है। फिर आगे कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम्, अर्थात कोई भी कार्य आप कर रहे हैं तो उसे कुशलता पूर्वक करें और कुशलता पूर्वक करते करते योग हो जाएगा। अब कहते हैं कि योग संगीतम, जिस विद्या के द्वारा दुख का जो संयोग हुआ है उसका वियोग हो जाए। अब यहाँ समझने वाली बात है, ऐसा भी हो सकता है दुख का वियोग हो जाए तो संयोग शब्द क्यों लगाया। दुख संयोग वियोग अर्थात दुख है ही संसार में, उसका संयोग हो गया है। दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखालय है ही। अब ऐसा नहीं कि हम और आप दुख ही लेकर आए हैं, लेकिन दुख का जीव
से संयोग हो गया है और जिस विद्या के द्वारा इस दुख का जो संयोग होता है उसका वियोग हो जाता है, अर्थात दुख नहीं रह जाता है, उसे योग कहते हैं, भगवान ऐसा कहते हैं। देखिए, समझने की बात है, जैसे संसार में दुख तो है पर आप किस विद्या के द्वारा दुख से परे हो जाएंगे, इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है। जैसे कि गुलाब का बगीचा है, सुंदर पुष्प खिले हुए हैं और आप उसके बीच जाएं और आनंद लें, उसकी खुशबू को प्राप्त करें, परंतु जाने पर वहाँ कांटे भी मिलते हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि फूल हो पर कांटे ना हो। यह संसार ऐसा ही है, जब यहाँ सुख होते हैं तो दुख अपने आप मिल जाता है। उसी तरह से जैसे बाग में जाने का कोई साधन आपको बता दे कि आप बाग में जा करके आनंद तो उठा सकते हैं पर कांटों से भी बचे रहेंगे, कांटे वहाँ रहेंगे जरूर, बिना कांटों के फूल संभव नहीं है, उसी तरह से भगवान कहते हैं उस विद्या को जो आपको दुखों से रहित कर देती है उसे योग कहते हैं। और आगे सावधान करते हैं, क्या स्वनिश्चयेन युक्तव्यो, उसका हमें निश्चय पूर्वक साधन करना चाहिए। अनिर्विण चेतसा, अर्थात न उगताए हुए चित्त द्वारा, हमारा ऐसा चित्त हो न हो कि हम उगता जाएं या ऊब करके कार्य को बीच में छोड़ दें, योग को छोड़ दें, ऐसा भगवान कहते हैं। स्वनिश्चयेन, निश्चयेन, निश्चय कैसा होना चाहिए, बहुत बढ़िया सुंदर उदाहरण है। अगर आपने कोई निश्चय किया और उसे पूर्णता तक ले जाना है तो मधुसूदन पाद सरस्वती ने जो उदाहरण दिया है हमें बड़ा ही अच्छा लग रहा है, आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। एक टिटिहरी पंछी थी, उसने समुद्र के किनारे अंडे दिए और उस पंछी की ये आदत होती है, हमेशा स्वभाव होता है कि वह समुद्र के किनारे ही अंडे देती है, और जब उसने अंडे दिए तो समुद्र का स्वाभाविक है ज्वार भाटा आना, ज्वार आया और उसके साथ जो है उसके अंडे समुद्र में चले गए। अब टिटिहरी उसकी मातृभाव वह दुखी हो गई, आकर के दो तीन दिन तक समुद्र से रोती रही, मेरे अंडे वापस कर दो, मेरे अंडे वापस कर दो। अब लहर से एक कटहास तो आई होगी, पर टिटिहरी तीन दिन बीत जाने के बाद उसने निश्चय किया, मैं तुम्हें सुखा दूंगी, तुमने मेरे अंडे वापस नहीं किए, मैं तुझे सुखा दूंगी। अकेली जान, वही अकेली चिड़िया निश्चय किया, अब उसके पास कौन सा साधन था, वह चोंच से जल भरती और ले जाकर के किनारे पर गिरा देती। कुछ दिन तक तो ऐसा चला, अब उसके बिरादरी के लोग जो थे, कुछ लोग आते देखते, उसको समझाते बुझाते कि देखो समुद्र बहुत बड़ा है, हम छोटे जीव हैं, हम इसका कुछ नहीं कर सकते, तुम संतोष करो फिर अंडे दोगी। पर वो टिटिहरी का निश्चय ऐसा था कि उसने अपना कार्य बंद नहीं किया, वह करती रही, किसी की बातों में नहीं आई। कुछ दिन व्यतीत हो गए कि उसके बिरादरी की कुछ लोगों को दया आई कि अकेले बेचारी प्रयास कर रही है, चलिए इसका थोड़ा मदद करना चाहिए। अब मदद के लिए
धीरे धीरे लोग आए तो 25-50 पंछियाँ हो गई। अब देखते देखते देखा देखी लोगों का संसार में, जैसे लोग देखा देखी करते हैं, तो सैकड़ों की तादाद हो गई। अब सैकड़ों पक्षी आते और चोंच में जल भरते और बाहर ले जाके किनारे पर गिरा देते। एक दिन नारद जी पहुंच गए, उन्होंने देखा, पूछे बात क्या है। उस टिटिहरी ने बताया सारी बात। नारद जी सुने और गए वैकुंठ लोग, तो वहाँ भगवान के द्वार पर गरुड़ जी को बैठे देखा। अब गरुड़ जी से राम राम की और पूछे कैसा है, ठीक ठाक चल रहा है। गरुड़ जी ने कहा बहुत बढ़िया है, चल रहा है, भगवान के द्वार पर बैठे हैं, क्या दिक्कत है। नारद जी ने कहा कि भैया ठीक है, बड़े लोगों के दरबार में रहते हो, थोड़ा सा प्रभाव अच्छा है, तो ऐसे प्रभाव का लाभ भी उठाओ, अपने बिरादरी के लोगों का भी कुछ ध्यान कर लिया करो। अब गरुड़ जी चकित हुए, उन्होंने पूछा क्या बात है। नारद जी ने सारी दास्तान बता दी और गरुड़ जी गए भगवान के पास। बोले महाराज मुझे 7 दिन की छुट्टी चाहिए। भगवान ने मन में सोचा कभी छुट्टी नहीं मांगा है, पहली बार छुट्टी मांग रहा है, तो कोई बात नहीं, चलो इसको छुट्टी दे ही देते हैं। भगवान ने छुट्टी दे दिया। अब गरुड़ जी महल से बाहर निकले ही रहे थे कि लक्ष्मी जी आ गई। और लक्ष्मी जी ने पूछा क्यों गरुड़, बड़े खुश लग रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या बात है। उसने सारी बात बताई, भगवान ने मुझे छुट्टी दे दिया है, मैं जा रहा हूँ पृथ्वी पर अपने बिरादरी के लोगों से मिलने के लिए। लक्ष्मी ने कहा अभी रुको मैं बताती हूँ। उसने जा करके विष्णु भगवान से लक्ष्मी जी ने कहा क्या आपने गरुड़ को छुट्टी दे दी, मुझसे पूछे। भगवान ने कहा इतने दिन से छुट्टी कभी नहीं लिया था, मांग लिया दे दिए, अब उसमें पूछने की क्या बात है। अब लक्ष्मी जी तो नाराज हो गए, नहीं नहीं मेरी पार्टी है, मैं कल जाऊंगी शिवलोक, मुझे गरुड़ चाहिए ही। अब भगवान बड़ों पर पशुपेश में पड़ गए। हमारे आपके यहाँ भी ऐसा होता है, ये पत्नियाँ जो होती हैं ना, इन्हें बहुत संभालना पड़ता है। ये रूठ जाए तो अपना करके ही मानती हैं और ना करें तो घर में कलह। भगवान बखूबी समझ रहे थे और आए गरुड़ के पास। बोले गरुड़ तुम्हारा क्या काम है, किस काम के लिए पृथ्वी पर जाना चाहते हो। गरुड़ ने सारी बात बताई और भगवान ने कहा कि देखो तुम्हारा काम अगर आज ही हो जाए पूरा तब तो तुम्हें छुट्टी नहीं चाहिए ना। गरुड़ जी बोले कोई बात नहीं, तब मुझे छुट्टी की क्या आवश्यकता है। अब गरुड़ जी के साथ भगवान आए समुद्र तट पर और खड़े हो गए। और भगवान को जब देखा समुद्र ने तो वह तो आश्चर्यचकित हो गया, सामने आया हाथ जोड़ करके, प्रभु आदेश कीजिए। विष्णु भगवान ने कहा देखो समुद्र, ये चिड़िया अब तक प्रयास कर रही थी, तुमने उसके अंडे ले लिए हैं, दिए नहीं, और उसके अंडे वापस कर दो, नहीं तो मैं भी उसके अब साथ होने वाला हूँ। अब तो समुद्र घबरा गया, उसने कहा जो आज्ञा प्रभु। वह जाकर के अच्छे तरीके से एक थाल में नीचे कपड़ा बिछा करके, फिर ऊपर से कपड़े से ढक करके और हाथ में लेकर के अंडे आया और सुटेरी को सौंप दिया। ऐसा निश्चय होना चाहिए। भगवान के कहने का मतलब है इस तरह का निश्चय हो और इस तरह का निश्चय करके योग में लगें तो हमारा कल्याण निश्चित रूप से हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।